Use the power of mind and you can achieve anything, because impossible itself says, I am possible. Welcome to PW. I'm Advocate Mansi Jain. आज के सेशन में हम जानेंगे how to prepare for CLAT in 8 months. एक स्टोरी सुनी थी कहीं पर, आज आपसे सबसे पहले वो शेयर करना चाहूंगी. एक लड़की थी बैक इन यूरोप. वहां पर उसका हमेशा से एक ड्रीम था कि मेरे पास एक हिबिस्कस फ्लावर हो, और हिबिस्कस फ्लावर्स यूरोप में कभी भी ग्रो नहीं करते हैं. उस लैंड में वो ग्रो ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजंस. उसका हमेशा से ये ड्रीम था. उसकी मॉम ने उसको समझाया कि द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, द पावर ऑफ फेथ. तो वो लड़की इमेजिन करती है डेली बेसिस पर अपनी आईज क्लोज करके कि उसके हाथ में एक हिबिस्कस फ्लावर है. डेली बेसिस पर वो ये ड्रीम करती है, लेकिन उसका ये ड्रीम कभी भी अचीव नहीं हो पाता. दुख का खत्म नहीं होता बे. एक दिन वो स्कूल में होती है, उसकी एक फेलो फ्रेंड आती है और उसके बालों में एक आर्टिफिशियल फ्लावर लगा देती है. वो आर्टिफिशियल फ्लावर वो उस टाइम लगा के घर चली जाती है. घर जाकर वो लड़की जब शावर लेने जाती है तो वो देखती है उसके बालों में कुछ पिंचिंग जैसा लग रहा है. उस फ्लावर को जब वो निकालती है तो वो होता है एक आर्टिफिशियल हिबिस्कस फ्लावर. और जैसे ही वो फ्लावर अपने हाथ में लेती है, एकदम से उसको अपना पूरा ड्रीम याद आता है जो उसने अभी तक इमेजिन किया था. चाहे वो एक आर्टिफिशियल फ्लावर ही क्यों ना हो, बट उसका ड्रीम पूरा हुआ, क्योंकि डेली बेसिस पर उसने फेथ रखा, उसने एक पार रखा, एक मैनिफेस्टेशन किया और उसने अपना ये ड्रीम पूरा किया. यही इंपॉर्टेंट है जिस वजह से आप अपना क्लैट का ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं. सो दैट्स द पावर ऑफ फेथ. Have in you and you can definitely move mountains. आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि ये क्लैट नाम के माउंटेन को कैसे मूव करना है स्ट्रेटेजिकली. स्ट्रेटेजिकली कैसे इसको क्लाइम करना है 8 months के अंदर, ताकि आप अपने ड्रीम एनएलयू में एक सीट सिक्योर कर सकें. तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे एक रोड मैप उस सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि क्लैट 2025 और क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. उनके लिए हमने स्ट्रैटेजीज को 3 parts में डिवाइड किया है. अगर आप ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे तो आप एक अच्छा क्लैट का स्कोर लेके आ सकते हैं. नंबर फर्स्ट पार्ट इज स्टेडफास्ट स्ट्रैटेजीज. नंबर 2 इज स्ट्रैटेजिकल सीग. एंड नंबर 3 इज लेगेसी लेसन्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टेडफास्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं. ये स्ट्रैटेजीज कुछ ऐसी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो हर क्लैट स्टूडेंट को, क्लैट एस्पिरेंट को अप्लाई करनी चाहिए विदाउट एनी इफ एंड बट. इसमें सबसे पहले आता है रीडिंग न्यूज़पेपर डेली बेसिस. जी हाँ, आपको ये हैबिट बनानी बहुत जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़िए. देर आर मेनी द वीडियोज आर देयर जहां पर आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना समझ में आता है. न्यूज़पेपर रीडिंग से आपके अगर देखा जाए मेजरली इस क्लैट के पेपर के हिसाब से तो 4 sections कवर हो जाते हैं. आपका जीके का सेक्शन करंट अफेयर्स कवर होता है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से. साथ ही आपका लीगल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. आपकी एक थीमेटिक वोकैबुलरी डेवलप होती है डेली बेसिस पर. जितने भी आपके जजमेंट्स आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं, वो यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर से सफिशिएंट होता है कि आप उसको रीडिंग करें. साथ साथ वोकैबुलरी डेवलप्ड होती है लीगल कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. साथ ही अगर आप लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं टू एक्चुअली डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, जो कि क्लैट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, क्योंकि ये एक इंग्लिश मीडियम पेपर है. तो बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक लैग फील करते हैं कि मैम हम लोगों का थोड़ा सा एक वीकर लेग है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके. तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी रीडिंग स्पीड भी इन्हांस होगी, आपका इंग्लिश वोकैबुलरी भी इन्हांस होगा, जो इस पेपर के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है. सेकेंड स्ट्रैटेजी इज मॉक्स देन मॉक्स नाउ. तो होता क्या है कि हम लोगों का जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से कुछ कंडीशन्ड होते हैं कि पहले हम सारा सिलेबस कर लेंगे, उसके बाद हम अपने पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जैसा कि अक्सर स्कूल करिकुलम्स में फॉलो किया जाता है. ये क्योंकि एक कंपेटिटिव एग्जाम है तो इट मोर वर्क्स लाइक अ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, साथ साथ आप फील्ड में जाके ग्राउंड वर्क करते हैं, अप्लाई करते हैं वो स्ट्रैटेजीज जो आपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में सीखी है. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है.
कि रेगुलर मॉक्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो मेरे कॉन्सेप्ट्स ही बिल्ड नहीं हुए, तो बहुत जल्दी मुझे मॉक्स नहीं शुरू करने चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें। जितनी जल्दी आप मॉक्स को स्टार्ट करते हैं, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आता है, आपका वोकैबुलरी डेवलप्ड होता है, आपको समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के सेक्शंस पेपर में पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके होते हैं अपने लेक्चर्स के थ्रू, काफी ज्यादा थियोरी कवर कर चुके होते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ मॉक्स जो आप एक वीक में प्रैक्टिस करते हैं वो आपको वहां पर बढ़ा देना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल इन द मॉक्स इज एक्चुअली नीडेड टू एस इन दिस क्लैट पेपर। थर्ड स्ट्रैटेजी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बहुत जरूरी। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करिए। क्लैट 2020 से पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि 2020 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद के जितने भी पेपर क्लैट में आ चुके हैं, जितने भी पेपर एलिट में आ चुके हैं, अगर आप एनएलयू दिल्ली का एग्जाम देना चाहते हैं तो उस केसेस में आपको पीवाईक्यू के सारे पेपर्स देखने बहुत जरूरी हैं। पीवाईक्यू पेपर्स देख के आपको समझ में आता है कि पेपर का डिफिकल्टी ग्राफ कैसा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एक पैटर्न समझ में आता है। लेकिन यहां पर भी एक गलती बच्चे कर जाते हैं, जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि सपोज अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूं तो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा पिछले 2 साल में मैंने देखा कि क्रिमिनल लॉ से सपोज एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो जब मैं तैयारी कर रहा हूं तो चलो यार मैं क्रिमिनल लॉ कंप्लीटली छोड़ देता हूं। ये गलती कभी मत कीजिए। कॉन्सेप्ट समझिए, ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक पे किस टाइप के वोकैबुलरी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत होगा कि पर्टिकुलर आप टॉपिक को छोड़ दें ये सोच के कि क्योंकि वो अभी तक किसी भी 1-2 साल में नहीं पूछा गया तो डेफिनेटली वो नहीं पूछा जाएगा। पेपर का जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि किसी साल पेपर इजी आता है, किसी साल पेपर डिफिकल्ट आता है। तो क्योंकि अभी क्लैट 2024 इजी गया है तो ये सोच लेना कि क्लैट 2025 भी डेफिनेटली इजी आएगा, ये एक गलत सोच होगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, उनको एनालाइज करिए और ये समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ताकि आपको एक जिस समझ में आ जाए कि किस टाइप के पेपर के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट मस्ट डू इज द ऑप्टिमम रीडिंग स्पीड। आपको एक ऑप्टिमम रीडिंग स्पीड को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डे वन से करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन के 2-3 महीने के बाद बोलते हैं कि मैम हमारा रीडिंग स्पीड नहीं बैठ रहा है, पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मॉक्स में 120 क्वेश्चन की जगह हम सिर्फ 80 अटेम्प्ट कर पाते हैं, या फिर मैं सारे चॉइसेस या आंसर चॉइसेस को ठीक से नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ये गलतियां बच्चे अक्सर कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रीडिंग स्पीड पर डे वन से वर्क नहीं किया। क्लैट के पेपर में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, तो एक आइडियल स्पीड जो क्लैट आपसे मांगता है दैट इज 1 मिनट पर क्वेश्चन। इस स्पीड को अटेन करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसा भी मैंने डिस्कस किया आई एम पॉसिबल। और जितने भी बच्चे क्लैट में अच्छी रैंक्स लेके आते हैं, जो क्लैट में टॉप करते हैं, एनएलयूज में जाते हैं, उन्होंने भी जब स्पीड अटेन कर ली है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना अपने ऊपर विश्वास रखिए, रीडिंग स्पीड पे वर्क करिए अपनी। अगर आज आप 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सोचिए कि मैं 10 मिनट का टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। आज डेफिनेटली जब आप शुरुआत अपनी कर रहे हैं प्रैक्टिस को लेके, प्रिपरेशन को लेके, तो शुरू में 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे, शायद 15 मिनट लग जाएं, शायद 18 मिनट लग जाएं आपको वो 10 क्वेश्चंस करने में। लेकिन रेगुलरली जब आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस को करेंगे तो आप रीडिंग स्पीड को अटेन कर पाएंगे। जैसा कि किसी महापुरुष ने कहा था, मैराथन भागने के लिए डेली बेसिस पे एंड्योरेंस डेवलप करना जरूरी है। डेली बेसिस पे जब स्प्रिंट्स लगाओगे तभी मैराथन में इतना बड़ा किलोमीटर का रन भाग पाओगे। दैट इज व्हाई रीडिंग स्पीड पे वर्क करना हाईली इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्ट्रेटजी इन दिस लीग इज जर्नी इज टफ बट द डेस्टिनेशन इज ब्यूटिफुल। जी हाँ,
प्रिपरेशन के दौरान इस 8 महीनों के दौरान बहुत बार आपकी प्रिपरेशन में ऐसा होगा कि कभी अच्छा जा रहा है, कभी बहुत लो चला गया, कभी बहुत सही जा रहा है, कभी लो जा रहा है, तो ग्राफ हमेशा ना ऐसे फ्लक्चुएट करता है। वहां पर ना एक बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। बच्चे बोलते हैं मैम क्लैट के मॉक्स में मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। तो शुरू में स्कोर नहीं आता है, आपका ग्राफ स्कोर का हमेशा ऐसे इंक्रीज करता है, लेकिन ये प्रिपरेशन की जो जर्नी है क्लैट की, इस कंपेटिटिव एग्जाम की, डेफिनेटली ये जर्नी टफ है, लेकिन यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको मोटिवेशन नहीं खोना, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा फेस कर रहे हैं, आपके फेलो क्लैट एस्पिरेंट्स भी यही चीज फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर आने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि कंसिस्टेंसी डेवलप करते रहनी है, मोटिवेशन को नहीं खोना है, क्योंकि ये सोचिए कि जब मैं पार कर जाऊंगा ये आग का दरिया तो मेरा ड्रीम NLU में मेरा सीट वेट कर रहा है, जहां से मुझे अपना 5-year law का सपना पूरा करना है। सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक सीक। स्ट्रैटेजिक सीक में हम ये जानेंगे कि कैसे 5 sections जो क्लैट में मिलते हैं आपको, उनकी सेक्शन वाइज क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि हर सेक्शन में आप एस कर सके। नंबर वन हम लोग बात करेंगे लीगल रीजनिंग से। तो लीगल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज अ मस्ट। अब यहां पर सपोज अगर मैं बात करूं लीगल रीजनिंग की, तो आपको डिफरेंट डोमेन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स लॉ, मिसलेनियस लॉस। तो यहां पर अगर आपने प्रायर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखी है, अपने मैक्सिम्स, अपने फ्रेजेस, जो भी लीगल के कॉन्सेप्ट रहते हैं, लीगल वोकैबुलरी से अगर आप एक्लिमेटाइज्ड हैं, तो यहां पर आपको जब आप पेपर के दौरान, जब आप मॉक्स के दौरान पैसेजेस पढ़ते हैं, तो आपका टाइम सेव होता है, वो पैसेज की नॉलेज को आप जल्दी ग्रास्प कर पाते हो। ऑन दी अदर हैंड, जिस बच्चे ने लीगल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं रखी है, पैसेजेस में थ्योरीज को नहीं समझा है, क्लास में लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड नहीं किया है, उन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको जो लीगल के पैसेजेस हैं वो एक बार में पढ़ के नहीं समझ में आते। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप पेपर में 2 से 3 रीडिंग एक सिंगल पैसेज को दे रहे हैं, तो क्या ही चांसेस है कि पेपर टाइम पे हो पाएगा और एक्यूरेसी निकल के आ पाएगी। सो ऑलवेज बिल्ड अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द लीगल रीजनिंग सेक्शन। सेकेंड सेक्शन इज GK एंड करंट अफेयर्स। तो GK एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने कहीं पे सुना था कि कहते हैं ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि यार GK, तो सबसे बड़ी GK की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि GK के लिए जो कंटेंट अवेलेबल है वो एक अतः कंटेंट, एक अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि मैगजीन्स के फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, न्यूज़पेपर्स आपके पास इतने सारे होते हैं, ऐप्स इतनी सारी होती हैं। ऐप्स का जिक्र करूँ तो लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच आर इम्पॉर्टेंट ऐप्स जो आपको डाउनलोड करनी चाहिए, जहां पर आपका सारा लीगल अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, वो आपकी लीगल वोकैबुलरी को बिल्डअप करने में भी हेल्प आउट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर जब भी आप GK और करंट अफेयर सेक्शन की तैयारी करते हैं, तो ऑलवेज कोलेट योर रिसोर्सेज टू मैक्सिमम 3 to 4 रिसोर्सेज। चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, चाहे PW है या कोई और इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहां से तैयारी कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को पकड़िए, वहां से उनके रिसोर्सेज कोलेट रिसोर्सेज करिए, अपने 3 to 4 रिसोर्सेज मैक्सिमम रखिए, न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखिए, और क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिसोर्सेज देखेंगे तो वो दिमाग में आपके खिचड़ी बनती चली जाती है बहुत सारे न्यूज की। जब आप पेपर में उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये चीज मैंने पढ़ी थी कहीं पर याद नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली कहाँ पढ़ी थी, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच हो जाता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन का, और वो एक तरीके से एक हैफजर्ड जैसा क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर। सो ऑलवेज मेक दिस स्ट्रैटेजी टू कोलेट योर रिसोर्सेज टू मैक्सिमम 3 to 4 रिसोर्सेज जब भी आप अपने GK और करंट अफेयर सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर PW के मंथली मैगजीन्स बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं GK एंड करंट अफेयर्स का, साथ ही वहां पर आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बनी रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नेक्स्ट सेक्शन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपका एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स आता है अप टिल क्लास 10th। यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बाबा मुझसे तो नहीं होगा, मैथ्स मुझसे नहीं होगा, तो यहां पर आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। देखिए माना इस सेक्शन की वेटेज कम है,
लेकिन ये सेक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अगर ये सेक्शन पेपर में छोड़ के आते हैं तो दैट विल एक्चुअली कैन मेक और ब्रेक योर रैंक। तो अच्छी रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने क्यूटी के कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी आपके थ्योरम्स एंड फॉर्मूलेज हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं या फिर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं उनको समझिए, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कीजिए। लेकिन क्यूटी में जो हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है हमेशा आपका रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस से ही मैथ्स हो सकता है। मैथ्स ऐसा नहीं है कि अच्छा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, पेपर में जाऊंगा अप्लाई कर दूंगा। मैथ्स को जब तक आपने सम्स और प्रॉब्लम्स पे अप्लाई नहीं किया तब तक वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। तो सिर्फ एक टेक्निक हेल्प करती है जब भी आप अपना क्यूटी सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रैक्टिस, रिपीट एंड स्ले। लास्ट इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन। तो इन दोनों सेक्शंस में आपके पास जो थियोरी वाला पार्ट होता है वो उतना नहीं होता पढ़ने के लिए। आपको सिर्फ फोकस करना है की कॉन्सेप्ट्स पर जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, जो भी आपको टोन ऑफ द ऑथर पूछा जाता है या जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश सेक्शन में, या लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो जैसे अजम्पशंस हैं, स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस हैं, वीकनिंग क्वेश्चंस हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो फ्रीक्वेंटली आस्क की कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ब्रश अप करना इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में अक्सर जो बच्चे गलतियां करते हैं, जिस वजह से बच्चे बोलते हैं मैम लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ है, उसमें स्कोर नहीं आ रहा, वो गलती क्या करते हैं कि वो लॉजिकल रीजनिंग में अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने मॉक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। सपोज आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है बी, लेकिन उसका करेक्ट आंसर है डी, तो गलती यहां पे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा वो देखते हैं ठीक है यार बी की जगह डी आंसर था, ठीक है यार डी आंसर सही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां जानना कि बी आंसर में और डी आंसर के वर्डिंग्स में और मीनिंग्स में क्या डिफरेंस था, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी गलतियों को रिपीट ना करें। थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज वॉज लेगेसी लेसन्स। इसका मतलब है कि अपने एंसेस्ट्रल की गई गलतियों से सीखना। किसी ने सही ही कहा था कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल को आप जाके बादाम को धोएं और उसके बाद खाएं और समझे कि हाँ यार शायद अकल आ जाएगी। तो आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि लाइफ में यार किसी महापुरुष ने कहा था कि एक सफल इंसान वो होता है जो गलतियों से सीखता है, और जो इंसान सक्सेस के लैडर को क्रॉस करता है, एक्स्ट्रा हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, वो इंसान होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। तो ऐसे कुछ एरर्स हैं जो ऑलरेडी पुराने क्लाट एस्पिरेंट्स कर चुके हैं, पर वो गलतियां आप करने से बचें वो मैं आपको आज यहां बताना चाहूंगी। द फर्स्ट मिस्टेक इज प्रेफरिंग रिकॉर्डेड सेशंस ओवर लाइव सेशंस। आजकल चाहे कितने कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो या वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो, आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं अगर किसी वजह से आपने लाइव लेक्चर मिस कर दिया है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है यार आज मैं क्लास नहीं जाता, क्लास नहीं अटेंड करता, बाद में मैं इसका रिकॉर्डिंग देख लूंगा। यहां पे दिक्कत क्या आती है कि जब वो इतना सारा रिकॉर्डिंग पाइलअप हो जाता है तो आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। वो दिखने में लगता है कि हाँ यार हर सेक्शन के मेरे चार चार लेक्चर रह गए हैं, तो टोटल मेरे 20 लेक्चर्स रह गए हैं, और लाइव भी साथ साथ चल रहा है, उसको भी अटेंड करना है। तो ये बैकलॉग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर आप लाइव लेक्चर्स को इग्नोर मार के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स पे ज्यादा फोकस करते हो। तो ये गलती कभी ना करें। साथ ही जो कॉन्सेप्ट की ल्यूसिडिटी है वो लाइव लेक्चर्स में ज्यादा एनहांस हो सकती है, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में अगर आपको पढ़ते पढ़ते या टीचर को सुनते सुनते कोई भी डाउट लगेगा तो आप उसी टाइम मैम से पूछ सकते हैं या अपने सर से पूछ सकते हैं, तो वहीं के वहीं वो आपका डाउट या वहीं के वहीं वो जो आपका वीक एरिया था वो क्लियर हो सकता है। तो ऑलवेज प्रेफर अटेंडिंग द लाइव सेशंस। सेकंड मिस्टेक इज इंटेंसिटी ओवर कंसिस्टेंसी। तो बच्चे क्या बोलते हैं, सोचते हैं कि यार मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ानी है। क्वालिटी पे नहीं फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि अच्छा यहां से भी पढ़ लेंगे, वहां से भी पढ़ लेंगे। बहुत सारी मार्केट से बुक्स खरीद के ले आते हैं बच्चे, कहीं किसी दोस्त ने कोई बुक सजेस्ट करी तो वो ले आए, किसी इंस्टीट्यूट ने कोई बुक सजेस्ट करी तो वो ले आए, कहीं और ऑनलाइन कुछ देखा तो वो बुक्स ले ली।
तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इतना सारा कंटेंट वैसे भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि इतना सारा एक नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी में पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना सारा कंटेंट को एनगल्फ कर सको। तो ऑलवेज प्रेफर द क्वालिटी कंटेंट। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है वीक एरियाज, व्हाट्स दैट। जी हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हम इस तरह से कंडीशनड होते हैं कि अपनी खूबियां हमको पता होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों का सामना हम कभी नहीं करना चाहते। और यही गलतियां लाइफ में भी हम करते हैं और क्लैट की प्रिपरेशन के दौरान भी करते हैं। पर लाइफ में ये गलतियां चल सकती हैं एक बार को, लेकिन क्लैट प्रिपरेशन में ये गलतियां नहीं चल सकती। तो जब भी आप अपने मॉक्स करें, मॉक्स को एनालाइज जरूर करें, अपने वीकर जोन्स पे एक्स्ट्रा वर्क करें। अपने स्ट्रेंथ्स पे तो आपको वर्क करना ही है, ठीक है। मुझे समझ में आता है कि यार ये वाला सेक्शन मेरा स्ट्रांग है, ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, तो वहां पर आप थोड़ा सा कम टाइम को डेल्व कर सकते हैं। लेकिन जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि ये मेरे वीकर एरियाज हैं, वहां पर एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। और अगर आप सोचेंगे कि यार इसको मैं बाद में पुश ऑन कर लूंगा, बाद में प्रोकेस्टिनेट अगर आप उस चीज को करते हैं, तो वो वहां पर एक लैग बनता चला जाता है। तो ऑलवेज फोकस, गिव योर एक्स्ट्रा फोकस ऑन द वीकर एरियाज। फोर्थ मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये सोचते हैं OMR शीट, ओ दैट्स अ केक वॉक। पर ऐसा नहीं है, OMR इज एक्चुअली अ बेड ऑफ रॉक्स, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वैसी बात है। OMR शीट्स की गलतियां बच्चे ये करते हैं कि मॉक जब भी सॉल्व करते हैं तो या तो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर टिक कर लेते हैं, OMR को फिल ही नहीं करते कि यार जब मेन क्लैट का पेपर होगा मैं तब OMR को फिल कर लूंगा। या फिर सेकंड मिस्टेक जो बच्चे ये करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद एक साथ 120 क्वेश्चन के लिए OMR को फिल करना शुरू करते हैं। यहां पर दिक्कत ये आती है कि जब आप इतने सारे क्वेश्चन का एक साथ OMR फिल करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गलत आंसर या गलत बबल पे कलर करने में। तो हमेशा ये हैबिट बनाइए कि 5-5 के क्वेश्चंस या साथ साथ हर क्वेश्चन का OMR का सर्कल को, बबल को सर्कल करते रहिए, कलर करते रहिए। अदरवाइज 5-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद OMR को साथ साथ फिल करते रहिए, क्योंकि एक साथ करने पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी गलतियां होने की। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज मुझसे नहीं होगा बॉस। तो क्योंकि ये जर्नी 8 months की है, ये कंसिस्टेंसी मांगती है और बहुत बार एक लो जोन्स भी आते हैं, तो बच्चों का जो अंदर का थॉट होता है वो कहता है यार मुझसे नहीं होगा बॉस, मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत टफ है। सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स इतने ही टफ होते हैं बच्चों, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप चाहोगे, फेथ रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, मेहनत में कोई कमी नहीं होने दोगे, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको एक अच्छा क्लैट का स्कोर अचीव करने से। तो ओवरऑल जस्ट टू हैव अ क्विक रीकैप, हम लोगों ने समझे हैं 3 kinds ऑफ स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके 8 months क्लैट प्रिपरेशन में। नंबर 1 वॉज स्टेडफास्ट स्ट्रैटेजीज, नंबर 2 वॉज स्ट्रेटेजिक सीक, एंड नंबर 3 इज लेगेसी लेसन्स। तो इनमें दी गई स्ट्रैटेजीज को ड्यूली फॉलो कीजिए और कोई नहीं रोक सकता आपको क्लैट प्रिपरेशन में एक्सेल करने से। बट लास्टली देयर आर 2 extra edge tips जो आपको हेल्प आउट करेंगी अगेन आपके क्लैट प्रिपरेशन में। नंबर 1 इज पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक को वाइडली लोग यूज करते हैं और लोगों ने देखा है कि पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को 10 times इन्हांस किया जा सकता है। साथ ही इस टेक्निक को अप्लाई करके एक फटीग नहीं आता जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। क्या होती है पोमोडोरो टेक्निक? तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तो स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल में आप सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन टाइम, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका टाइम स्लॉट फिक्स कीजिए। इट कुड बी 25 minutes, इट कुड बी 30 minutes और 35 minutes, बट जो भी आपने टाइम रखा है उसको फिक्स रखिए। तो लेट्स सपोज आपने लिया है 30 minutes, 30 minutes आप रिगरस पढ़ाई करो। उस 30 minutes सोच लो कि चाहे दोस्त का कॉल आ जाए, चाहे मम्मी बुला लें, चाहे गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, चाहे बॉयफ्रेंड का फोन आ जाए, कुछ भी नहीं उठाना है। ये 30 minutes मुझे सिर्फ रिगरसली पढ़ाई करनी है, कुछ भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ना जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सको। उसके बाद आप लीजिए एक 5 minute का ब्रेक। इस तरह से दोबारा से 30 minute पढ़िए, फिर 5 minute का ब्रेक लीजिए। इस तरह से करने के बाद, एक 3 laps कवर करने के बाद या 4 laps कवर करने के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं 30 minutes to 1 hour के बीच में। गलती यहां पे क्या हो जाती है कि बच्चे
क्या करते हैं, पढ़ाई वाला तो पूरा रख लेते हैं, 30 मिनट्स पढ़ लिया, लेकिन जो 5 मिनट का ब्रेक देना था उसकी जगह ले लिया यार 15 मिनट का ब्रेक, या ब्रेक को एक्सटेंड करके 1 घंटा कर लिया। तो ये जब ब्रेकेज आ जाता है ना, तो पोमोडोरो टेक्निक हेल्प आउट नहीं करती। तो स्टे कंसिस्टेंट ऑन दिस पोमोडोरो टेक्निक एंड यू विल डेफिनेटली नोटिसेबल चेंजेस इन योर परफॉर्मेंसेस। एंड द लास्ट टेक्निक इज रिजुविनेट इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जी हाँ, किसी ने सही कहा था कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। पढ़ते रहोगे और दिमाग में सब कुछ भरता चला जाएगा, अपने आप को आप टाइम नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी रिजुविनेट करने का, तो वहां पर एक क्रैश आ जाता है, एक समवेयर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाता है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि जितना प्रैक्टिस जरूरी है, जितनी पढ़ाई जरूरी है, उतना ही साथ साथ रिजुविनेशन जरूरी है। पर रिजुविनेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एक हफ्ते पढ़ाई कर ली है तो अब मैं पूरा एक हफ्ता घूमने जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ मूवीज चले जाएंगे, मॉल चले जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, क्योंकि यार हमने 7 डेज रच के पढ़ाई कर ली है तो अब 7 डेज तो हम लोग यार मस्ती करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस आउट करिए कि सपोज आप 6 डेज आपने रिगरस स्टडी रखी है अपनी क्लैट प्रिपरेशन की, तो अपने आप के लिए एक दिन 1 डे का ऑफ रखिए जहां पे अपने आप को रिजुविनेट करिए, क्योंकि उस केसेस में आप एक नए जील के साथ शुरू करते हो एक आफ्टर द ब्रेक। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि इन डिस्कस स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली क्लैट को क्लियर कर सकते हैं, अपने ड्रीम एनएलयू में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं, और सोच लिया है, ठान लिया है, फेथ ला चुके हैं अपने अंदर कि मैं क्लैट करके दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए आई एम पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल हमारी डिक्शनरी में तो डेफिनेटली नहीं है। होपिंग टू सी ऑल द एस्पिरेंट्स इन द नेशनल लॉ स्कूल्स। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।